गुड इवनिंग। आज को चैनलिंग एक डिफरेंट वाली, नई वाली, जिसके अंदर ये बहुत रीसेंट है, इसी साल की है, और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके सब्जेक्ट्स ये मुझे एक दो तीन चार चार सेशन में करना पड़ेगा, तो मैं इसे रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को रोज़ एक सेशन मिलता रहे जब मैं बिज़ी हूँ। पहला वाला जो सवाल है वो है आर्मागेडॉन एंड पोलराइजेशन, मतलब के आर्मागेडॉन मतलब के जो विनाश या प्रलय जो आने वाला है, या धरती में बदलाव वगैरह और ध्रुवीकरण। दूसरा है पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक विकास। तीसरा है धरती के चक्र और इनका घनत्वताओं से ताल्लुक। चौथा है सिंक होल ऑफ इनडिफरेंस, इसका मतलब के उदासीनता का कुंड, सिंक होल ऑफ इनडिफरेंस, उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता नहीं होती है, इनडिफरेंस का मतलब होता है कि परवाह ना करना या ना जानना या किसी चीज का अपने ऊपर असर ना होने देना। और उसके बाद है ग्रीन रे और ब्लू रे केंद्रों में ईमानदार संचार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जिम चैनलिंग कर रहे थे और किसी ने ये सवाल पूछा कि मेरे पास कनेक्शन के संबंध में एक प्रश्न है, या क्या कनेक्शन को अभिव्यक्ति, क्या कनेक्शन का मतलब अभिव्यक्ति या बुद्धिमान अनंत के समान है, अनंत बुद्धिमान अनंतता के समान है, मतलब के कनेक्शन होना ईश्वर से, बुद्धिमान अनंतता से, या मैनिफेस्टेशन करना, क्या ये एक ही चीज़ें हैं। तो कुओ कहते हैं, जैसे कि उनकी आदत है पहले लंबा चौड़ा भाषण, कि मेरी बात समझ में ना आए, रेजोनेट ना करे, तो आप उस आपको उसे मानना ज़रूरी नहीं है। हमारी भी एक सीमा है जहाँ तक हम जानते हैं और हम अपनी समझ के हिसाब से बता रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो वो लंबा चौड़ा भाषण मैं कट करने वाली हूँ। और आगे कुओ कहते हैं कि आपने बुद्धिमान अनंत के साथ संभावित संबंध में जिस अभिव्यक्ति के बारे में पूछा है वह वास्तव में एक समानता है, वास्तव में सच में एक समानता है, क्योंकि बुद्धिमान अनंत जिसे आप एक अनंत निर्माता के रूप में देख सकते हैं ने अनंत ब्रह्मांड के भीतर वो सब कुछ बनाया है जो मौजूद है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी ने बनाया है। इंग्लिश में पढ़ के समझाती हूँ। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, क्योंकि मैंने जब वो डीप स्पेस वाला वो जो कल सेशन किया था तो वो हिंदी किसी को समझ में नहीं आया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इंग्लिश में बनाऊं, तो मैं वो मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, मैंने ऑफर किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं इंग्लिश में बना दूंगी, तो इसलिए बेटर है कि मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर इसे हिंदी में समझाऊं। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव विच द इन्फिनिट क्रिएटर हैज क्रिएटेड ऑल थिंग्स आउट ऑफ थ्रू द पावर ऑफ लव टू मैनिफेस्ट थ्रू लाइट विच बिकम्स द लव लाइट ऑफ द क्रिएशन द प्रोडक्ट द क्रिएशन और व्हाट सीम्स टू बी सॉलिडिटी एंड इन्फिनिटी एट द सेम टाइम। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये प्रेम की अभिव्यक्ति है जो ईश्वर ने प्रेम के द्वारा बनाया है, ताकि इस अंधेरे में उजाला हो सके, मतलब अंधेरे में उजाला उन्होंने नहीं कहा कि मतलब रोशनी से, प्रेम और प्रकाश की रोशनी से वो इसको बना सकें, ताकि ये प्रेम और प्रकाश की प्रेम और प्रकाश इस रचना का प्रेम और प्रकाश बन सके, विच बिकम्स द लव लाइट ऑफ द क्रिएशन, और उसमें से द प्रोडक्ट द क्रिएशन ऑफ व्हाट सीम्स टू बी सॉलिडिटी एंड इन्फिनिटी एट द सेम टाइम। प्रेम प्रकाश बन, जो कि सृष्टि का प्रेम प्रकाश बन जाता है, उत्पाद किसकी रचना एक ही समय में दृढ़ता और अनंतता प्रतीत होती है, मतलब के इस उत्पाद जो ये हुआ है इसका, इसकी रचना जो है किसकी नहीं, इसकी रचना जो है वो एक ही समय पर दृढ़ता भी है, सॉलिड भी है और अनंत भी है। द सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन मोस्ट स्पेशली विद इन योर थर्ड डेंसिटी, बट विद इन ऑल, विद इन
all densities of the creation. For within each thing, as you would call objects or manifestations, there is activity that could be described as the molecules of light that move back and forth, round and round, in different speeds and angles of rotation. Angles of rotation. अच्छा, जैसे धरती रोटेट करती है एक एंगल के ऊपर. दैट गिव द मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉलिडिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. इतना लंबा सेंटेंस मैं हिंदी में कैसे समझाऊंगी. ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी विच एंटिटीज सच इज योर सेल्फ मे बी एबल टू यूटिलाइज विद इन वेरियस लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन इन द ग्रेट ऑक्टेव ऑफ क्रिएशन. लग गए बेटे. ओके. तो दृढ़ता एक भ्रम है, खास करके आपकी इस तीसरी घनत्वता में. लेकिन बाकी सभी घनत्वताओं, इस रचना की बाकी सभी घनत्वताओं में भी, क्योंकि हर चीज के अंदर, जिसे आप चीज कहते हो, या हर अभिव्यक्ति के अंदर एक एक्टिविटी, एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एक गतिविधि चलती होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अणु, अणु अणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में जो आगे पीछे गोल गोल अलग अलग स्पीड पे और अलग अलग एंगल पे, कोई 30 डिग्री, कोई 35 डिग्री, कोई 45 डिग्री, कोई 10 डिग्री, इस तरह से धरती घूमती है ना. ऐसे वो धरती ऐसे नहीं घूमती है, वो ऐसे घूमती है. तो इसी तरह हर चीज अपने अपने एंगल पे घूमती है, गोल गोल अलग अलग, जो जिसकी वजह से उसे एक सॉलिड यानी कि दृढ़ता में एक उसकी अभिव्यक्ति की एक सच्चाई, वास्तविकता उसको मिलती है. क्योंकि अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग तरीके से जब वो घूमता है तो मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं या आगे पीछे जाते हैं या गोल घूमते हैं, तो उससे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनती. सोने से सोने के जेवर बनते हैं, चांदी से चांदी के गिलास या बर्तन बनते हैं. तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. आप उसे जिस चीज में ढांचे में ढालेंगे वो वैसे बनेगा. ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स और स्पीड और वो सब जो है उसकी वजह से उनकी अलग अलग शक्ल बनती है या अलग अलग चीजें बनती हैं, जो आप जैसे लोग उसे अलग अलग कंपनता होने की वजह से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं अपने इस मायाजाल में. Thus, the creator of intelligent infinity has made this octave a creation as a pathway back into unity of each portion or manifested being within the one infinite creator. Thus, the simple equation of intelligent infinity equaling manifestation has great ramifications on all levels, of being, for all beings everywhere as they move through their incarnated patterns time after time after time through the various levels of the octave of being, so that the creator may know itself within, with each incarnation and with each choice, with each thought, with each level of being. To jo रचेता है, अनंत बुद्धिमानता का रचनाकार जो है, उसने इस ऑक्टेव में, मतलब इस सप्तक में, सप्तक बोलेंगे ऑक्टेव को, सप्तक ही बोलते हैं, हाँ सप्तक बोलते हैं. तो इस सप्तक में उसने इस तरह से रचना को गढ़ा है ताकि हर चीज एक ऐसे रास्ते पर चलकर दोबारा उसके अंदर मिल जाए और एक हो जाए, एकत्रता में, एकता में एक हो जाए, और मैनिफेस्टेड बीइंग विद अ वन इन्फिनिट क्रिएटर बैक इनटू यूनिटी ऑफ ईच पोर्शन. मतलब हर चीज एक दूसरे में मिलकर, मैं पढ़ के सुनाती हूँ यार. बुद्धिमान अनंत के निर्माता ने इस सप्तक को एक अनंत निर्माता के साथ प्रत्येक भाग या प्रकट अस्तित्व की एकता में वापस आने के मार्ग के रूप में बनाया है. इस प्रकार बुद्धिमान अनंत समतुल्य अभिव्यक्ति
इक्वलिंग मैनिफेस्टेशन के उनका जो अभिव्यक्ति करने का अनंत बुद्धिमानता का जो सीधा रास्ता है, सीधा तरीका है, उसके इतने सारे मतलब हो जाते हैं हर लेवल पर इंसानों के लिए, या हर और किसी जानवर, पेड़ पौधे, हर घनत्वता के जीव के लिए, हर जगह के। जैसे जैसे वो अपनी जिंदगी के दौर से गुजरते हैं, एक जिंदगी, दूसरी जिंदगी, तीसरी जिंदगी, अलग अलग घनत्वताओं से होते हुए, अलग अलग जिंदगियों से होते हुए, ताकि रचयिता को अपने अलग अलग अनुभव हो सकें हर जिंदगी में, और वो अपने चुनाव कर सके हर सोच के साथ और हर प्रत्येक स्तर के ऊपर अपने अलग अलग अस्तित्व के साथ। नॉट बैड, वेरी गुड गिनी, गुड। देयर वॉज अ गुड डिस्कशन दैट केम आउट ऑफ आर स्टडी। दूसरा सवाल किया जाता है अबाउट द रा कॉन्टैक्ट सेशन। रा के 24वें सेशन में 24.6 सवाल में एक उस सवाल के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था, तो उसके ऊपर किसी ने सवाल पूछा कि आर्मेगेडॉन, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आर्मेगेडॉन के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ इस सत्र के इस सवाल में। रा के कहने के मुताबिक, रा ने वहां पे यावे के बारे में बताया कि जब वो आएगा, which began to send positively oriented philosophy 3,300 years ago approximately। मतलब के वो आएगा के नाम से जाना जाता है जिसे लगभग 3300 साल पहले सकारात्मक रूप से उन्मुख दर्शन भेजना शुरू किया था। और रा ने कहा था इस प्रकार, जिसे आर्मेगेडॉन के नाम से जाना जाता है, उसका गहन भाग जुड़ गया। Thus the intense portion of Brahmanda was joined। उसकी वजह से आर्मेगेडॉन को उससे जोड़ दिया गया। तो क्या आप हमें आर्मेगेडॉन के बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे? तो कुओ कहते हैं, द आर्मेगेडॉन दैट इज रेफर्ड टू इन दैट पर्टिकुलर कोट कुड बी सीन एज द बैटल दैट इज बीइंग वेज्ड एट दिस टाइम अपॉन द इनर प्लेन्स ऑफ योर प्लैनेट। मुझे आया था ख्याल कि मुझे प्रेयर कर लेनी चाहिए, और मैं करती हूँ। लॉ क्या है? लॉ एक है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम परिसंघ की जानकारी और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम रा, कुओ और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास, मेरी घर की हर चीज़, मेरे परिवार के आसपास, मेरे पड़ोसियों के आसपास, और जो लोग ये YouTube पे देख रहे हैं उनके और उनके परिवार के आसपास, किसी भी मंच पर इसे सुन रहे हैं उन लोगों के परिवार और घर के आसपास, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों के आसपास, हमारे एक अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश का घेरा बनाते हैं, वायोलेट लाइट का घेरा बनाते हैं, गोल्डन वाइट लाइट का घेरा बनाते हैं। रा और आर्कएंजल माइकल आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की सुरक्षा करें, और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। आई सेंड यू love and I welcome you in the love and light of the one infinite creator। मुझे शुरू करने से पहले मैसेज आया था कर ले, और मैंने सोचा छोड़ो, रिकॉर्डिंग ही तो कर रही हूँ। तो कुओ कहते हैं कि आर्मेगेडॉन के बारे में उस वहां पर जो बताया है, वहाँ पे एक युद्ध की बात हो रही थी, उसे एक युद्ध के रूप में देखा जा सकता है जो इस समय आपके ग्रह के आंतरिक स्तरों पर विभिन्न चतुर्थ, चौथी घनत्व वाली संस्थाओं द्वारा
छेड़ा जा रहा है। ये 2024 की चैनलिंग है। आसमान में लोगों को अलग अलग रोशनियां दिख रही हैं, कहाँ बारिश नहीं हो रही, बिजली नहीं कड़क रही, लेकिन बिजली नजर आ रही है अलग अलग रंगों की। कई बार कहीं से काले यूएफओ जुप जुप करते दिख रहे हैं, कहीं रोशनी वाले जुप जुप करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा बहुत जगह पर हो रहा है। अगर YouTube पे आपने नहीं देखा है तो Instagram पे तो आपको ऐसे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जो लोगों ने, आम जनता ने शेयर किए हैं, और उसके अंदर कुछ फेक भी हैं, लेट मी वॉर्न यू। तो ये चौथी घनत्वता का युद्ध जो है वो ऑलरेडी चल रहा है आसमानों में। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, रूह अफजा, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और 5-6 महीने पहले ऐसे ही अचानक सुबह सुबह नहा के निकली और पता नहीं मेरे ध्यान में क्या आया, मैंने इंस्टाग्राम लाइव कर दिया और मैंने बोला था उन्हें कि युद्ध चल रहा है और हमारी सुरक्षा भी हो रही है, चाहे धरती पे युद्ध चल रहा हो, धरती पे जो इंसानों का जो युद्ध चल रहा है उसके बावजूद वो, मतलब हमारी सुरक्षा भी हो रही है, वहाँ पर भी जो हो रहा है उसके लिए भी, मतलब वहाँ पे लोग जो पुकार रहे होंगे ईश्वर को, तो जो भी हो रहा है तो हमें नजर नहीं आता क्योंकि हमारी कंपनता उनसे अलग है, वरना आसमानों में वो हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ भी रहे हैं। तो क्या सोच सकते हो कि हमारे लिए लड़ने में वहां चौथी घनत्वता में कितने देवदूतों की और संस्थाओं की, दैवीय संस्थाओं की जान जा रही होगी? तो वो कहते हैं कि चौथी घनत्व वाली संस्थाओं द्वारा छेड़ा जा रहा है, मतलब कि नकारात्मक वालों को रोकने के लिए इन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा है, लेकिन जब इन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो युद्ध हुआ होगा। जो इस तरह के युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता महसूस करते हैं वहां, ताकि वहां ये नकारात्मक प्रकृति की उन संस्थाओं के मेल मिलाप की संभावना हो सकती है, मतलब के वहां पर उनको जरूरत पड़ी कि युद्ध करने की जरूरत है, नहीं तो धरती पे और हाहाकार मचा देंगे, ताकि नकारात्मक संस्थाओं के साथ एक तरह से समझौता हो सके, उन लोगों को रोका जा सके। जैसे कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच सुलह करवाने के लिए गए थे, पर दुर्योधन नहीं माना, तो उन्हें ये लगा चौथी घनत्वता वालों को कि धरती के लोगों के ध्रुवीकरण को सही तरीके से करने के लिए, ताकि यहाँ के लोग अपना ध्रुवीकरण चुन लें, या इस तरफ या इस तरफ, एक अपना ध्रुवीकरण चुन लो, और जो सकारात्मक रास्ते को चुनते हैं उनके लिए उनकी मदद हो सके, इस वजह से उन लोगों ने नकारात्मक संस्थाओं के साथ, चौथी पांचवी घनत्वता के नकारात्मक संस्थाओं के साथ सुलह करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए ये युद्ध छेड़ा। और वहां पर वो नकारात्मक वालों ने इसलिए छेड़ा ताकि वो यहाँ के लोगों को अपनी तरफ खींच के, उन्हें अपना गुलाम बना के अपनी तरफ खींच के अपने राज्य को बड़ा कर सके। तो असल में इन्होंने रोकने की कोशिश की, इन्होंने युद्ध छेड़ा, ये यहां पर लिखा है। तो आगे वो कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आर्मेगेडन ऑफ विच दोज ऑफ रा स्पोक। रा ने इस युद्ध की बात की थी कि ऐसा, रा ने तब बोला था कि ऐसा होने की संभावना है, और ये इट इज द रिजल्ट ऑफ द वन नोन एज यावे हु मेड अ ट्रांसफर ऑफ एंटिटीज टू दिस प्लैनेटरी स्फीयर एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स मास्टर साइकिल। और ये इस वजह से हुआ है कि यावे ने
75,000 साल पहले जब हमारा ये मास्टर साइकिल शुरू हुआ, तब वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को धरती के ऊपर उन्होंने ट्रांसफर किया था और उन्हें अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल किया, उनको क्लोन करने के लिए, एंड यूटिलाइज्ड वेरियस मीन्स ऑफ क्लोनिंग टू हेल्प देम डिस्कवर मोर ऑफ द वेज ऑफ लव अपॉन दिस प्लैनेटरी स्फीयर. एक मिनट, यहां मैं कहीं कुछ गलत ना कह दूं क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हो रही हूं. ये क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, यावे की बात कर रहे हैं. इस ग्रह पर संस्थाओं का स्थानांतरण किया अपने मास्टर चक्र की शुरुआत के क्षेत्र में, और इस ग्रह क्षेत्र पर प्यार के और अधिक तरीकों की खोज में मदद करने के लिए क्लोनिंग के विभिन्न साधनों का उपयोग किया. उन्होंने भी क्लोनिंग का उपयोग किया. अच्छा, ओके. फिर वो कहते हैं कि हालांकि इसे स्वतंत्र इच्छा का हनन माना गया ताकि ये संस्थाएं अपने व्यक्तित्व के भीतर काम करने में सक्षम न हो सकें, क्या हम उन्हें मन शरीर आत्मा का नाम देंगे? However, it was considered an abrogation of free will so that these entities would not be able to work within their own personalities. के ये लोग अपने तरीके से काम करने के बजाय, और क्या हम उन्हें मन शरीर आत्मा का नाम दें क्योंकि वो तो क्लोन्स हैं, और उसके ये वाले ध्रुवीकरण के रास्ते पर वो चले, एंड ट्रैवल दिस पाथ ऑफ पोलराइजेशन इन द वेज ऑफ लव अपॉन देयर ओन चॉइसेस. बहुत कंफ्यूजन है बॉस. ओके. और प्रेम के तरीकों में ध्रुवीकरण के इस मार्ग पर यात्रा नहीं कर पाएंगे उनकी अपनी पसंद पर, मतलब उनकी अपनी पसंद के हिसाब से वो चुनाव नहीं कर पाएंगे और यात्रा नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्योंकि यहवे ने बहुत सारे लोगों को यहां ला के उनके क्लोन्स बना के यहां पर रखा, ताकि इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान के 7 रूप होते हैं दुनिया में, इसलिए कहते हैं, पता नहीं, तो ये तो मेरे दिमाग में आया, ताकि यहां पर वो लोग अलग अलग तरीके से प्यार को बढ़ा सके और सकारात्मक ध्रुवीकरण हो सके. लेकिन उसे फ्री विल का उल्लंघन माना गया क्योंकि वो तो यावे ने उनको वैसा बनाया था, क्लोन बनाया था, तो उन्हें मन शरीर, जब अगर वो क्लोन है तो उन्हें मन शरीर आत्मा का नाम कैसे दे सकते हैं? Thus the one known as Yahweh was able to find another means by which to describe itself as He comes, because its own name of Yahweh had been abrogated by the negative entities and then was utilized to become the chosen God of the entities. Oh, acha, from Mars, Essa, of the entities from Mars. Hey, ye kab hua? Acha. इस प्रकार जिसे यावे के नाम से जाना जाता है वह स्वयं का वर्णन करने के लिए एक और साधन ढूंढने में सक्षम था, जैसा कि वह आता है, कि मतलब वो लौटेगा या वो आ रहा है या वो दोबारा जन्म लेगा. He comes. तो क्योंकि उसका अपना नाम यावे नकारात्मक संस्थाओं द्वारा निरस्त खराब कर दिया गया था, उसका नाम मरोड़ तरोड़ के पता नहीं क्या क्या कर दिया उस नाम का और उसका, और फिर चुने जाने के लिए उपयोग किया गया था, मतलब और फिर उस नाम का इस्तेमाल किया गया था ताकि मंगल ग्रह के संस्थाओं के देवता का नाम दिया जा सके, एंड देन वॉज यूटिलाइज्ड टू बिकम द चोजन गॉड ऑफ द एंटिटीज फ्रॉम मार्स. मतलब यावे को मंगल के लोगों का देवता बना दिया. ये कब हुआ? राह ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. अरे माँ. और फिर वे यावे के चुने हुए लोग बन जाएंगे. He comes because its known own name of Yahweh had been abrogated by the negative entities and then was utilized to become the chosen God of the entities from Mars, and they would then become the chosen people of the ones of Yahweh, and then they would become the chosen people of the ones of Yahweh. तो वो लोगों ने यावे को उठा के बोल दिया कि ये मंगल के लोगों का भगवान है,
और हम इसके भक्त हैं, सीधी बात है। और यहवे को बदनाम कर दिया कि इसने तो इसने बोला है हमको ऐसा करने के लिए। अब समझ में आई बात। अच्छा, दिस इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द बैटल ऑफ आर्मेगेडॉन विच हैज द पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू कॉल योर वॉरफेयर बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यह आर्मेगेडॉन की लड़ाई का प्राथमिक अर्थ है, जिसमें परमाणु ऊर्जा के उपयोग से, जिसे आप कहते हैं, आपके युद्ध की संभावना को कम करने का सकारात्मक लाभ है। अच्छा, वी वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट द बैटल ऑफ आर्मेगेडॉन इज अ बैटल विच ईच पर्सन ऑन दिस प्लैनेटरी स्फीयर एंगेजेस इन ऑन अ डेली बेसिस व्हेन दे सी द सीमिंग सेपरेशन बिटवीन एंटिटीज ऑफ द थर्ड डेंसिटी एज बीइंग द रियलिटी। ओ दैट मस्ट बी डेल्ट विथ इन अ मैनर विच इज डिविसिव filled with anger and the possibility of warfare which is so rampant upon your planet at this time. It has been for thousands of years. Wow! Kya baat hai! To wo kehte hain, hum aapko ek aur cheez salah dena chahenge ki ye jis Armageddon ke yudh ki aap baat kar rahe ho na, darasal ye aap logon ke teesri ghanatvata ke logon ki zindagi ka rozmarra ka yudh ban gaya hai. और आप रोज इसे लड़ते हैं। जब आप देखते हैं कि लोगों के अंदर कितना विभाजन है और इसको कैसे झेला जाए, इसका कैसे मसला निकाला जाए, इस किस तरह से, जहां क्योंकि यहां पर हर एक के अंदर गुस्सा है, युद्ध है, लड़ाई झगड़ा और लालच और वगैरह वगैरह, वो दुनिया भर की बुरी चीजें जो दिमागों में भरी हुई हैं और हजारों सालों से हैं, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, डोमिनेशन है, चिड़चिड़ापन है, जलन है, लालच है, वासना है, ये जो सारी बुराइयां जो भर गई हैं, जिसकी वजह से हर इंसान एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझता है। और कंपटीशन, स्कूल से फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपटीशन कर दिया, घरों में लोगों को सिखा दिया कि अरे देखो तुम्हारा बड़ा भाई इतना अच्छा करता है, तुमको तो आता ही नहीं है, लो डाल दिया विभाजन आपने। तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी छोटी बहन तो कितना अच्छा जो भी पेंट कर लेती है, तुझे तो आता ही नहीं है कुछ। स्कूल में, अरे तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट आ गई वो, और देखो कैसी है, लल्लू सी लगती है, और तुम इतनी समझदार बनती हो, और तुम्हारा तो कोई रैंक ही नहीं आया, थर्ड क्यों आई, सेकंड क्यों आई। हर लेवल पे कंपटीशन भर दिया नस नस में। और ऊपर से क्या किया, टीवी के ऊपर संगीत में कंपटीशन, टैलेंट में कंपटीशन, डांस में कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, के एक 3 साल का बच्चा भी वहां जाके अगर उसको कंपटीशन में डाला जा रहा है कि यहाँ पे शो चल रहा है वो, के मतलब आप पूरे देश के या पूरी दुनिया के या किसी और देश के महान गायक या टैलेंट बन जाओगे तो तुम घुस जाओ इसमें, और बेचारा अगर हार गया तो वो तो रोता रहे और सारी उम्र उसके दिल में बैठ जाए कि मैं तो किसी काम का ही नहीं। हर लेवल पे कंपटीशन। बाहर के देशों में उन लोगों के एग्जाम्स नहीं होते ऐसा सुना है, और अगर कोई फेल भी हो गया ना, मतलब फेल मतलब अगर उनके वो पढ़ाई ठीक भी नहीं हुई तो उनको तो अगले क्लास में भेज दिया जाता है। इस देश में क्यों होते हैं एग्जाम, क्यों यहां पर आईआईटी में घुसने के लिए, कॉलेज में घुसने के लिए, मेडिकल में घुसने के लिए, इंजीनियरिंग में घुसने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सीधे साधे आर्किटेक्चर कॉलेज में जाने के लिए क्या है वो नाटा का एग्जाम, उसमें भी आपको 95% चाहिए कम से कम, और साथ में आर्किटेक्चर में 12th स्टैंडर्ड में आपको 98% आने चाहिए, तब आपको बेहतर आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में तो दे दो सीधा 5 लाख की डोनेशन, 10 लाख की डोनेशन। कोई कुछ बोला यहाँ तो कोई है, कुछ सुनाई दिया मुझे। एनीवे, तो हर जगह पर कंपटीशन, तो ये विभाजन नहीं है। एक एक स्टेप पे, एक एक कदम पे रोज विभाजन डाला जा रहा है, और हम खुद डाल रहे हैं अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में।
ये सही बोल रहा है, ये लोगों को कब समझ में आएगा? ये रोज का आर्मागेडॉन चल रहा है यहां पर हजारों सालों से। दिस इज अ बैटल दैट कैन ओनली बी वन बाय दोज हु बिकम कॉन्शियस सीकर्स ऑफ ट्रूथ। मैं तो कहा था स्कूल भेजना बंद कर दो, बच्चों को घर में पढ़ाओ, नहीं तो बाप के साथ काम पे भेजो या माँ के साथ घर में काम पे लगा दो। कम से कम बड़े होंगे तो किसी काबिल तो बनेंगे कि अपना बिजनेस कर सके। पता नहीं लोगों को समझ में, मतलब आई अंडरस्टैंड कि दुनिया सारी ऐसा करती है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहां से हैं कौन है। जब आज से 10 साल पहले जब मैं वहां गई और मुझे पता चला, अरे ये तो बच्चे ने 10th कर ली और बाप के साथ काम पे लग गया। मैंने कहा क्यों हो, तुमको आगे नहीं पढ़ना, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। अरे क्या करना है, बच्चा बोल रहा है क्या करना है, बाद में तो बैठना पापा की दुकान पे ही है, ठीक है। पता चला 22 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, 22 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में, साल भर में बच्चा भी हो गया। और ये एक नहीं, पूरे खानदान के सभी बच्चों का यही हाल। और मैं तो उन पे हंसू, मैं कह ले क्या अनपढ़ गवार। मैंने उन मेरे कजन से पूछा जिनके बच्चे थे, मैंने कहा भैया या दीदी मतलब ऐसे, तो कहते हाँ क्या करना है, काम पे बिठा देंगे, कमाने लग जाएगा, शादी कर देंगे, करना क्या है, पढ़ के नौकरी थोड़ी करनी है। आज समझ में आता है, सबसे समझदार तो वो निकले, हम तो पढ़े लिखे गवार बोलते हैं ना, वो हम है पढ़े लिखे गवार। और पढ़े लिखे गवारों का तो हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो खुद को समझने वाले लोग वही थे जो और बाकी अनपढ़ गवार जो गली कूचों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो कहते हैं हमको ना चाहिए, ये खुदकुशी कर लेंगे, ये नहीं लेंगे। कल ही वीडियो देखा मैंने, एक माँ ने अपनी बेटी को लेने नहीं दिया, उसने कहा मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से मार दूंगी, ये नहीं लेने दूंगी, दफा हो जाए यहां से। मजा आ गया मुझे देख के, पार्थ ने भेजा था मुझे। तो बीच में मैं हट गई। वो कह रहा है कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये तभी जीती जा सकती है उन्हीं लोगों से जो सत्य की खोज में लगे हैं, मतलब चेतन अवस्था में सत्य की खोज में लगे हैं और अपने अंदर इस विभाजन को दूर करना चाहते हैं, हर एक के साथ अपने आप को एक समझते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों के साथ। इस समय आपके ग्रह पर इतनी व्याप्त है ये हजारों वर्षों से, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे केवल वो ही लोग जीत सकते हैं जो सत्य के जागरूक खोजी बनते हैं और जो अपने भीतर पूर्ण एकीकरण द्वारा ढके प्रतीत होने वाले अलगाव को देख सकते हैं। अनंत सृष्टिकर्ता के भीतर मौजूद सभी चीजों और सभी लोगों का, जैसे अनंत सृष्टिकर्ता उनके भीतर मौजूद है, अनंत निर्माता की सेवा में, ग्रहों के परिसंग में, यही ये बड़ी आशा है कि आपके ग्रह क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग अपने भीतर की इस लड़ाई के बारे में जागरूक हो सकें और अपने आसपास की दुनिया में प्रतिबिंबित हो सकें। मतलब कि हम लोगों का, कॉन्फेडरेशन का, हमारी बहुत उम्मीदें लगी हैं तुमसे के ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, अपने अंदर के इस युद्ध को पहचाने और उस तरह से जीते इस युद्ध को, सकारात्मक तरीके से युद्ध को जीत के एक मिसाल बन सके दुनिया में अपने आसपास के लोगों के लिए, ताकि आसपास के लोग भी उससे सीखें। फॉर इज व्हाट हील्स अ सेल्फ, व्हाट हील्स द वर्ल्ड अराउंड वन। More and more of your entities need to be able to heal the self, that together they might heal the battle scars of the population of Earth and of Earth itself, herself. For she has been the victim of these battles for thousands of years and needs your assistance and attendance. We correct this instrument to the need to see within the illusion, to the need
टू सी विद इन द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन एंड फाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल. क्योंकि जो स्वयं को ठीक कर सकते हैं, अपना उपचार कर सकते हैं, वही व्यक्ति के चारों ओर की दुनिया को भी ठीक कर सकते हैं, मतलब के अपने आसपास के लोगों को. आपके अधिक से अधिक संस्थाओं को, स्वयं को, लोगों को ठीक करने की, मतलब सोचने, सोच समझ के अपने रास्ता, अपना तौर तरीका बदलने की जरूरत है. अपने अंदर की नकारात्मकता को अपना के खुद से प्यार करने की जरूरत है, और अपने जैसे खुद से प्यार करते हैं ऐसे ही सभी से प्यार करने की जरूरत है. करने में सक्षम होने की आवश्यकता है ताकि वे मिलकर पृथ्वी की आबादी और स्वयं पृथ्वी की लड़ाई के घावों को ठीक कर सकें, क्योंकि वही हजारों हजारों वर्षों से इन लड़ाइयों का शिकार होती आई है और उसे आपकी सहायता और उपस्थिति की जरूरत है. मतलब शायद बोलने वाले ने थोड़ी गलती की तो वो कहते हैं कि हम उसे करेक्शन करते हैं. अलगाव के भ्रम के भीतर देखने और सभी के एकीकरण को खोजने की जरूरत है, या एकता को पहचानने की और जानने की जरूरत है. इस सेशन को मैं यहाँ रोकती हूँ, और अगला सवाल अगला वीडियो. आई विल सी यू, गुड बाय. आई होप कि आपको समझ में आया. सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रूरी था. गुड बाय.